हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेहा सिंह राठौर और आज मैं आई हुई हूँ उत्तराखंड घूमने, उत्तराखंड के ऋषिकेश में पर्वत पहाड़ देखने, नदी देखने, झील देखने। और मुझे तो थोड़ा राफ्टिंग का शौक कम है, पर राफ्टिंग करते हुए लोगों को देखने का बड़ा शौक है। पर बरसात के दिनों में यहाँ ऋषिकेश के शिवपुरी में है अभी हम लोग, तो यहाँ पे राफ्टिंग जो है अभी वो बंद चल रहा है। बाकी घूमने के लिए ये पहाड़ है, देखिए कितना सुंदर पहाड़ है। पहाड़ों पे लोगों का अपना घर भी है। ये गंगा की तेज धारा, और ये ऐसा लग रहा है जब ये पत्थरों से टकरा के गंगा आगे बढ़ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे शेर दहाड़ रहा हो, है ना हिमांशु? एकदम ये डरावनी सी आवाज है, और ये है भी अभी यहाँ डरावनी। वैसे गंगा जी बड़ी पवित्र है, गंगा जी के लिए बड़ी श्रद्धा है, लेकिन यहाँ के बारे में यहाँ के एक लोकल पुलिस वाले ने अभी मुझे बताया, मैं और हिमांशु आए हुए हैं यहाँ पे घूमने, तो उन्होंने बताया कि अगर आप लोगों को तैरना आता है, तो मैंने बोला भाई नहीं आता है, और नदी से बहुत डर लगता है, चाहे नदी वो गंगा नदी हो, कोई सागर हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बस इतना तक चली जाऊं वो भी बहुत है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हर साल बहुत सारी मौतें होती हैं, अभी इस साल के बरसात में 24-25 डूबने से लोगों की जान जा चुकी है। तो मैं आप लोगों को जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग कभी भी आए ऋषिकेश घूमने या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे नदी हो, गहरी हो, वहाँ पे ना थोड़ा सा यार ध्यान रखें। बहुत तैरने आता हो तो भी बहुत बड़का तैराक ना बने, नहीं तो जान से हाथ धो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अभी एक पुलिस वाले के साथ एक और भैया जी आए थे, उनका भाई गुम हो गया है। तो मतलब ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, हम लोग एंजॉय करने आए, पर ऐसी चीजें ना सुनने के बाद ना थोड़ा दुख होता है यार, मेरा मन कितना कूड़ा यहाँ पे फैला रखा है। बाकी हाँ, एक और चीज ये देखिए, इतना सुंदर पहाड़, इतना सुंदर नेचर, और ये देखिए यहाँ प्लास्टिक, यहाँ चप्पल, यहाँ कूड़ा, मतलब क्या है यार, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली हम लोग छोड़ के क्यों आते हैं ऋषिकेश और हरिद्वार सब जगहों पे घूमने, थोड़ा नेचर को फील करने आते हैं, साफ सफाई देखने आते हैं। पर ये देखिए सैलानियों ने क्या गंध मचा रखी है, और यहाँ तो सबसे जबरदस्त गंध मची है। ये देखिए बेवड़ों ने शराब पी करके दारू की बॉटल यहीं फेंक दी है, सिगरेट का डिबिया फेंका हुआ है, चिप्स और ये सारी चीजें, प्लास्टिक वगैरह सब फेंक करके यहाँ पर भी गंध मचाया हुआ है। तो आप लोगों से ये कहना है कि यार ठीक है, कम से कम इतना सुंदर जगह है, इसको तो गंदा मत करो, मतलब गंदी जगहों को भी गंदा मत करो, जैसे दिल्ली ऑलरेडी बहुत गंदगी है वहां पे, उसको भी मत गंदा करो। पर जैसे हम और हिमांशु भी ये डिस्कस कर रहे थे कि ये दिल्ली वाले आके यहाँ पे ये कांड किए हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि सारे दिल्ली वाले ही हो, पर ज्यादातर दिल्ली के लोग ही आकर के ये वाला कांड करते रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्वत पहाड़ पे रहने वाले लोग पहाड़ की हिफाजत के लिए जरूर, मतलब है ना, तत्पर रहते होंगे कि नहीं, वो उनका अपना घर है, तो अपने घर पे तो कोई ऐसा नहीं ही करना चाहता होगा। हमें लगता है कि पहाड़ है, पर पहाड़ी लोगों का ये अपना घर है, तो उनका घर कम से कम आप लोग गंदा ना करें, अपना भी घर गंदा ना करें। बाकी भूख बहुत जोर से लगी है, पास में कुछ मैगी शैगी बनने के लिए हमने बोला हुआ है, मैगी जब तक बोल रहा है तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ शानदार सी चीजें दिखाती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताती हूँ। बाकी ठीक है हिमांशु, चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत मैगी वो बना रहा है, तब तक तुम अपनी बात कंटिन्यू रखो और लोगों को बताओ कि ये अंतिम लोग नहीं है जो पहाड़ों पे आ रहे हैं, उनके बाद भी लोग आते रहे, सफाई उन्हें दिखती रहे, इसलिए भी जरूरी है कि पहाड़ बचे रहे। हिमांशु की बात पे गौर करिएगा, हिमांशु बहुत सही बात बता रहे हैं। बाकी हिमांशु कैमरा को ऑफ करो, ये रास्ता बहुत दुर्गम है। दुर्गम नहीं है, चलो मैगी के लिए बोल रखा, पूछो मैगी बनी कि नहीं। हेलो, मैगी बन गई हमारी, बन गई, रेडी है? 5 मिनट।